हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि एचपी पटवारी का एग्ज़ाम था वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो क्या आप सरकार के फैसले से सहमत हैं? और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए मोटिवेटेड वीडियो है, और उनको आगे क्या करना चाहिए आपको मैं आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेज वगैरह में इसको शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम था वो 17 नवंबर 2019 को कंडक्ट हुआ, ठीक है। और इसके बारे में आपको सारी जानकारी है कि इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या गलत कार्य हुए हैं, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो भी जो एचपी जेबीटी का टेट का एग्ज़ाम था वहीं से इन्होंने डाला था, ठीक है। तो ये बहुत ही जो प्रशासन था इसका एग्ज़ाम सेट करने वाला, वो बहुत ही उनकी लापरवाही है, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उनको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम दो, ठीक है। और जिस किसी का भी अगर कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आ रहा हो, ठीक है, तो उसको नीचे कमेंट करें, ठीक है, तो मैं उसकी तैयारी आपको अच्छे से करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का एचपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो, आप कमेंट में वीडियो बताएं कि मेरे को किस विषय के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर दें, क्या आप इस सरकार के फैसले से सहमत हैं, जो कि एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुआ है। अगर आप इस फैसले से सहमत हैं तो भी अपना रीज़न बताएं, और नहीं हैं तो भी अपना रीज़न ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़रूर अपना रीज़न बताएं, ठीक है। धन्यवाद।